नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी शॉर्ट क्रिएटर हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब शॉर्ट में दूसरों का म्यूजिक यूज़ करते हैं तो अभी से सावधान हो जाइए और आगे चल के आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलने ही वाला है कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ शॉर्ट क्रिएटर्स को। तो ये न्यू अपडेट नहीं है, ये काफ़ी पुराना अपडेट है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि शॉर्ट वीडियो में दूसरों का अगर म्यूजिक यूज़ करते हैं तो इसके बाद में हमें कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है वो उनको पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपको आगे जाके क्या प्रॉब्लम होने वाली है अगर म्यूजिक यूज़ करते हैं तो किसी और का, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट तो करना चाहूँगा कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको बेल आइकन मिल रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि दूसरा का अगर म्यूजिक यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या होगी और हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो क्रिएटर को देखा है कि वीडियो बना लेते हैं और दूसरों का म्यूजिक यूज़ करते हैं, ठीक है, और अलाउ करता है यूट्यूब भी, ठीक है। डायरेक्टली हम शॉर्ट फीड के ऊपर जाएंगे तो नीचे एक म्यूजिक चल रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके हम वो म्यूजिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो ओरिजिनल म्यूजिक है और हमारा वीडियो है, ठीक है, दूसरों का हमने म्यूजिक उठाया यूट्यूब से, ठीक है, और हमने उसमें वीडियो लगा दिया, तो जो ओरिजिनल ऑडियो है उस ओनर ने, जो क्रिएटर्स है उन्होंने अगर वो सॉन्ग डिलीट कर दिया तो आपका जो शॉर्ट वीडियो है उसके ऊपर से वो रिमूव हो जाएगा और आपकी जो शॉर्ट वीडियो है वो म्यूट हो जाएगी, और म्यूट होने के बाद 30 दिनों के अंदर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, यूट्यूब डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि अगर हमने किसी और का ऑडियो यूज़ करा है यूट्यूब से ही और हमने अपने वीडियो में लगाया है और हमारी जो शॉर्ट है वो मिलियन में निकल गई, बहुत सारे व्यू आ गए, तो हमारी जो अगर ओरिजिनल ऑडियो है वो अगर ओनर है वो डिलीट कर देता है तो हमारी यूट्यूब शॉर्ट है, ठीक है, इसमें से म्यूट हो जाएगा, तो हमारा ये वीडियो कुछ भी काम का नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब खुद 30 दिनों के अंदर डिलीट कर देगा। तो ये बहुत ही बुरी खबर है मेरे हिसाब से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि अपना खुद का म्यूज़िक देना है, ठीक है, खुद का म्यूज़िक देना है, या फिर नो कॉपीराइट म्यूज़िक होते हैं बहुत सारे, उसमें से आप उठा के डायरेक्टली वीडियो में लगा के आप अपलोड कर सकते हैं, ताकि आगे चल के ऐसी प्रॉब्लम ना हो आपके साथ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप शॉर्ट क्रिएटर्स हैं तो। और इतना ही नहीं, अगर किसी का हमने म्यूजिक यूज़ करा है और वो ऑडियो डिलीट नहीं करा है ओनर ने, फिर भी ओनर नहीं चाहता कि आपकी वीडियो के ऊपर वो सॉन्ग चले, तो वो बंद करा सकता है हमारे वीडियो के ऊपर, ठीक है, तो हमारी जो शॉर्ट वीडियो है वो म्यूट हो जाएगी। अगर ओनर नहीं चाहता कि उसका म्यूजिक आपकी वीडियो के ऊपर चले तो वो म्यूट कर सकता है, ठीक है, फिर हमारे जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली 30 दिनों के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही करें कि आप खुद का म्यूज़िक देने की कोशिश करें, या फिर खुद डायलॉग बोलने की कोशिश करें। दूसरों का ऑडियो उठाने से अच्छा है हम खुद क्रिएट करें, ये अच्छी बात है, आगे चल के हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था कि अगर दूसरों का ऑडियो आप यूज़ करते हैं तो आपको हो जाना है सावधान, क्योंकि आगे चल के आपको ऐसी कौन सी भी प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी खास इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ फिर से मिलने वाले हैं। थैंक यू।